हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरिफ खान, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक अलाइक एसोसिएशन। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जानकर अनजान बन रहे हैं और शाहरुख भाई को बदनाम कर रहे हैं। लता दीदी के अंतिम संस्कार में जब शाहरुख भाई पहुँचे अपनी सेक्रेटरी के साथ में, तो वहाँ उन्होंने उनकी बॉडी को मान सम्मान दिए हाथ जोड़ करके, और कुछ कुरान की कुछ आयत पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने अपना मास्क हटा करके उस पर दम किया, यानी कि फूंका। लेकिन कुछ जाहिल लोगों ने इस बात को तिल का पहाड़ बना दिया और कहा कि उन्होंने लता दीदी के शव पर थूका। ऐसा बोलने वाले जाहिलों को, गद्दारों को पहले ये सोचना चाहिए कि वो कितना बड़ा मैसेज था। वो जहां हिंदू मुसलमान गाय गोबर चल रहा है, इस बीच में शाहरुख खान ने आकर के इतना बड़ा मैसेज दिया हमारे भारतवासियों को, एकता का पैगाम दिया है। जबकि शाहरुख भाई को वहां जाकर दुआ पढ़कर फूंकना नहीं चाहिए था। फूंका जाता है उस पर जो मरीज होता है। लता जी तो दुनिया से जा चुकी थी, उनके अंतिम संस्कार में चिता पर लेटी हुई लता दीदी पर उन्होंने फूंका। ये उनकी भावनाएं थी, हर इंसान की एक भावनाएं होती है। लता दीदी हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी के उम्र की थी, और एक बेटा पोता अपनी दादी को, अपनी माँ पर एक अच्छी भावनाएं लेकर के अंतिम संस्कार के टाइम पर जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर अगर उस पर फूंक दे, ये उनकी अपनी भावनाएं हैं। हर इंसान की एक भावनाएं होती है रिस्पेक्ट करने की, दुख जताने की, तो उन्होंने किया है। जबकि कुरान की आयत जब भी पढ़ी जाती है तो मरीज पर पढ़ी जाती है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है उसके अच्छे होने की दुआ करके उस पर फूंकते हैं, दम करते हैं। लेकिन शाहरुख खान साहब ने उनको वहाँ जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया, चलो उससे भी एक बहुत अच्छा सोसाइटी में मैसेज गया। लेकिन